कागज पर बनी एक संस्था के नाम पर हुए 1,000 करोड़ के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए दोषियों को कहा है कि यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को पक्षकार बनाए जाने और उनके नाम से एफआईआर किए जाने की खबरों को लेकर उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ने से ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं भी रेणुका सिंह के खिलाफ एफआईआर किए जाने का जिक्र नहीं है। रमन सिंह ने यह भी कहा है कि यह 2004 का मामला है, हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके खिलाफ पिटिशनर ने ना कोई प्रे किया था ना उसके खिलाफ फैसले में कोई वर्डिक कोई शब्द जस्टिस साहब ने लिखा है, तो ये बड़ा साफ है कि वो उस मामले में अधिकारी जितने हैं उनके खिलाफ नंबर 15 से 26 तक जो क्रमांक में आते हैं वो सारे अधिकारियों के खिलाफ ये मामला आया है, उसमें केंद्रीय मंत्री कहीं भी नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून